भाटापारा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं। धारदार हथियार से बुजुर्ग की हत्या की गई है। मॉर्निंग वॉक पर यह बुजुर्ग निकला था। मौके पर भाटापारा ग्रामीण पुलिस पहुंची हुई है। पुलिस ने एक युवक को पकड़ा है, पूछताछ उससे जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कोमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोमल, आपसे ये जानना चाहते हैं, बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ जारी है, पूछताछ में क्या खुलासा हुआ है? ये बता दूं, ये सुबह 6:30 बजे लगभग की घटना है। सुबह योगेश अग्रवाल जो तरेंगा निवासी था, तरेंगा पास ही जो एक तालाब है वहां पर टहलने के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए गया था। तभी वो युवक रोजाना उससे मुलाकात करता था, उससे नमस्कार होती थी सुबह सुबह, लेकिन अचानक ही आज सुबह हत्या का जो मामला था सामने आया। अभी तक अब खुलासा ये नहीं हो पाया है कि वो नशे में था कि विक्षिप्तता के कारण उस टाइप की हरकत को किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है, जो योगेश अग्रवाल है वो दाऊ कल्याण सिंह, जो महादानी माने जाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, उनके नाती हैं योगेश अग्रवाल जी, इसलिए यह मामला बड़े रूप से देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन ये भी आपसे समझना चाहते हैं कि आसपास के लोगों ने कुछ जानकारी दी, परिजनों ने कोई जानकारी दी कि इनके बीच किसी प्रकार का विवाद था, किसी बात को लेकर मनमुटाव इनके बीच था? जैसा कि मैंने बताया, रोज सुबह नमस्कार होती थी, जान पहचान तो थी, सुबह जब मॉर्निंग वॉक पे जाते थे उनसे मुलाकात होती थी, लेकिन वो तालाब के किनारे उस आरोपी जो संदेही युवक था उसका घर था, और अचानक जैसा कि वहां के आसपास के लोग बता रहे हैं, वो नशा करने वाला था, रोजाना नशे में लिप्त रहता था, और जिसके कारण ये भी माना जा रहा है कि नशे के कारण हो सकता है इस वारदात को उसने अंजाम दी होगी। बिल्कुल कोमल, इस एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है, पूछताछ में क्या कबूल करता है आरोपी, इसे लेकर अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो धारदार हथियार से बुजुर्ग की हत्या यहां पर की गई, और जैसे कि हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि कहीं ना कहीं यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसने आरोपी ने नशे में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।